देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पेड़ पौधों में प्राण होता है और इसमें जीवन छुपा होता है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि आयुर्वेदिक दवा से ही हर प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। दोस्तों, आप मेडिसिन में मिलने वाले दवा के ऊपर कितना दिन निर्भर करेंगे? हो सकता है कल ये मेडिसिन दवा बैन हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आयुर्वेदिक दवा है ना, ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे। हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में जो जानकारी सिखाते हैं, वो जानकारी अभी नहीं तो आपको बाद में चल करके काम आते हैं। जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। आज के इस वीडियो में देख लीजिए, ये है कासनी, इस प्रकार से देख लीजिए, इसका फूल नीले नीले इस प्रकार से इसका फूल होता है, तो इसे कासनी के नाम से जानते हैं। इसी का आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। तो हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। ये थोड़ा कड़वी होती हैं, शक्ति बढ़ाने वाली होती हैं, सूजन को कम करने वाली होती हैं, भूख बढ़ाने वाली होती हैं, बहुत सारे इसका बीमारी में प्रयोग होता है। देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं या वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टरों की बात छोड़ो, अगर वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य लोग आपको जो भी परेशानियां होती तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक दवा दे देते हैं, लेकिन उस दवा के नाम नहीं बताते, नहीं उसका प्रयोग बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि आप भी आयुर्वेद की कुछ दवाओं को सीख जाएंगे तो उनके रोजी रोटी पर फर्क पड़ सकते हैं। और हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं कि फ्री में आप सभी को घरेलू उपचार सिखाते हैं, कौन से पौधे हैं, इसका नाम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, हर प्रकार की हम जानकारी सिखाते हैं, ताकि आप भी दोस्तों आने वाले टाइम में इन पेड़ पौधों से अपना उपचार कर सके, डॉक्टरों को मोटी रकम देने से बच सके, या बहुत से वैद्य जो लोग पैसा ऐंठते हैं उनसे भी बच सके। तो ये है कासनी, इसका बहुत सारे आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं, वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधों कि जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सबसे पहले सिर के दर्द को ठीक करते हैं। पौधे देख करके पहचान लीजिए इस प्रकार से होता है पौधे। अगर दिन भर काम करने के बाद सिर में दर्द होता है तो क्या करना है, इसके बीज का चूर्ण 1 से 2 ग्राम या इसका काढ़ा 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से सिर के दर्द लाइफ टाइम के लिए जड़ से समाप्त हो जाती है। आधा सीसी अधका पारी का दर्द तो बिल्कुल ही रामबाण तरीके से काट करता है, जड़ से समाप्त कर देता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार के आयुर्वेदिक दवा बहुत ही काम की चीज होती है, ये अमूल्य धरोहर है दोस्तों। हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधे हमें तो गर्व होना चाहिए। बाहर की जो कहा जाए विदेश से वाले लोग इन पेड़ पौधों जड़ी बूटियों की जानकारी ले रहे हैं, इन पेड़ पौधों को यूज कर रहे हैं, इन पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों की औषधि गुणों को पहचानना सीख रहे हैं, इन सबको अपना रहे हैं, लेकिन हम भारत में होते हुए इन पेड़ पौधों की जानकारी को भूल रहे हैं। दोस्तों, हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं और इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में है। इसके बाद दोस्तों, ये उल्टी की बीमारी को ठीक करता है, खून की उल्टी से राहत दिलाने में कासनी जो है ना बहुत काम आता है। बहुत से लोगों को खून की उल्टी होती है, भगवान न करे किसी को खून की उल्टी हो, अगर होती है तो 2 ग्राम कासनी के पत्ते को पीस करके ठंडे पानी के साथ सेवन कराने से खून की उल्टी में काफी राहत मिलती है, धीरे धीरे समस्या ठीक हो जाती है। मसूड़े में अगर दर्द हो रही है तो इसका काढ़ा बना करके गरार करने से मसूड़े में होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं। उल्टी हो रही है तो 10-20 मिलीलीटर कासनी के बीज का काढ़ा सेवन करने से जो उल्टी हो रही ना, उल्टी बंद हो जाती है। इसके बाद ये पीलिया का जबरदस्त रामबाण दवा है, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में फिर से बोलना चाहूंगा, इस प्रकार की जानकारी को पेन कॉपी में नोट करके रख लिया करें, क्योंकि क्या पता कब किसी को क्या हो जाए। अगर पीलिया होती हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, किसी बुजुर्ग को पीलिया के कारण बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन इस प्रकार की अगर आप जानकारी रखेंगे, आयुर्वेदिक दवा की पहचान रखेंगे तो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, स्वयं की मदद कर सकते हैं और बहुत सारे पैसा को बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं। तो खान पान में असंतुलित होने की वजह से अगर शरीर में क्रिया जो असंतुलित हो जाती है तो पीलिया की बीमारी होती है। तो 5 से 10 मिलीलीटर कासनी के पत्ते का रस और 15 से 20 मिलीलीटर कासनी के पत्ते का काढ़ा, इसका सेवन करने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है, ये जानकारी हमेशा भी याद रखना। और इस अवधि में रोगी को चावल या दूध या घी या शक्कर का प्रयोग वर्जित है, ये विशेष करके ध्यान रखना है। चावल, दूध, चावल का सेवन, घी और शक्कर ये वर्जित है, तो बिल्कुल ही पीलिया की बीमारी को जड़ से समाप्त कर देंगे। लीवर को भी स्वस्थ रखने के लिए कासनी के फूलों का शरबत बनाकर के पीने से लीवर ठीक हो जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे से जानकारी दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना, और भी इसका फायदा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।